सोलन में कोरोना के संकट काल में जहां चिकित्सकों में आपातकाल सेवाएं दे रहे हैं, वहीं शहर में जरूरी सामान की किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, इसके लिए जिला प्रशासन दिन रात नियमों को बना रहा है। वहीं पुलिस भी इन नियमों पर लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। दिन हो या रात, चाहे चिलचिलाती धूप, पुलिस सड़कों पर खड़ी होकर कानून व्यवस्था बनाए रखने का हर संभव प्रयास भी कर रही है। शहर की सभी दुकानें बंद हैं, खाना तो दूर, पुलिस को प्यास बुझाने के लिए भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक संस्थाएं ने उनकी समस्याओं को देखते हुए उन्हें चाय, बिस्कुट, पानी और खाना उपलब्ध करवा दिया है और अपनी सामाजिक दायित्व को पूरा किया है। ये संस्थाएं सुबह शाम आकर पुलिस कर्मियों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवा रही हैं। स्थानीय लोगों के इस मित्रतापूर्ण व्यवहार को देखकर पुलिस भी बेहद खुश है। जब इस बारे में ये सेवा दे रहे युवाओं से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे ये सेवा समाज के दायित्व के रूप में निभा रहे हैं। वे सुबह शाम आपातकाल में सेवाएं दे रहे उन सभी कर्मचारियों को आवश्यक पेय पदार्थ उपलब्ध करवा रहे हैं जो लॉकडाउन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कर्मी धूप, छांव, भूख, प्यास कुछ नहीं देख रहे हैं, केवल उनका लक्ष्य शहरवासियों को सुरक्षा प्रदान करना है। तो ऐसे में शहर के नागरिकों का भी कर्तव्य है कि उन कर्मचारियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए वे सुबह शाम आकर जितना संभव हो सक रहा है इन कर्मियों के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे सुप्रीम गुरुद्वारा साहब ने अपने 18 दिनों से जब से ये लॉकडाउन चला है तब से सेवा कर रहे हैं, तो लंगर की भी सुबह सेवा चलती है जी, उसमें 1200 बंदा आके लंगर छकता है जी। तो जैसे जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, जब तक हमारे को आदेश है, हम ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। संजीवनी में हो गया, यहाँ पे लंगर दिन में आता है सुबह 11 बजे। अब चाय का टाइम है, चाय सारे प्रशासन को दी जाएगी जी, जिसमें कोटर नाला हो गया, हॉस्पिटल हो गया जी, और हमारा सुप्रून बाईपास जितने भी है वहाँ पे, जितने स्थान है वहाँ पे जाते हैं, डीसी हाउस में जाते हैं जी। अपने रोज़ जी हम 2 चक्कर लगाते हैं इसमें, एक सुबह जी और एक अपना 3-4 बजे जी। उसमें हम लंगर भी साथ में लेके आते हैं, जैसे जरूरतमंद हैं, कोई लोग बाहर से आए हुए हैं अपने संजीवनी में इलाज करवाने के लिए, तो आजकल जैसे होटल वगैरह बंद हैं तो वो फिर उनके लिए लंगर की सेवा भी। मैं सिर्फ मानव सेवा के लिए निकला हूँ बाहर, क्योंकि ये देख रहा हूँ कि 99% लोग घर पर हैं, और बल्कि सबके प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि सभी लोग घर पर रहें, पर इतनी तेज़ धूप है, अब ये पुलिसकर्मी हमारी ही सहायता के लिए, सेफ्टी के लिए घूम रहे हैं जगह जगह। तो मेरे मन में विचार आया कि उन्हें इनके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध किया जाए, तो मैंने इंडिविजुअली एक बीड़ा उठाया, और अब धीरे धीरे मेरे साथ कुछ ना कुछ लोग जुड़ते जा रहे हैं जो हमें किसी भी तरह से मदद कर देते हैं। कोई हमें बिस्किट दे देता है, कोई हमें चाय दे देता है, बस ये चल रहा है सर। और 22 तारीख को जब लॉकडाउन हुआ था तब मैं अपने घर से भी देख रहा था, सामने बिल्कुल हॉस्पिटल के साथ मेरा घर है, लोग खड़े हुए हैं और इनके लिए कुछ भी नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं है। तो बस यही सोच के निकले हैं, और कोई ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं, बस इनकी सेवा और जन सेवा के लिए निकले हैं। हमारे 40, 50, 60 के अराउंड चाय के कप लगते हैं रोज़। सर हम पुलिस कर्मियों को तो पिलाते ही हैं, और जो भी हमें गरीब व्यक्ति रास्ते में मिलता है, और इवन टॉयलेट्स के बाहर, पुराने बस स्टैंड में टॉयलेट है, उसके बाहर 2 व्यक्ति बैठते हैं, और 3 लोग हैं जो कोटना नाला में एक सरकारी टॉयलेट है वहाँ बैठते हैं, तो उनको भी हम देते हैं, और कोई भी मिल जाए रास्ते में नीडी